हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन और इसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी वीडियोज देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व 2x माइनस 3y प्लस 7z इक्वल टू 5, 3x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू 13, 2x प्लस 19y माइनस 47z इक्वल टू 22। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कंसिस्टेंसी सबसे पहले चेक करना है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होता है तो फिर हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिखा है एंड सॉल्व और सॉल्व करके हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। अब कंसिस्टेंसी चेक करते समय क्या प्रोसेस होता है वो पहले आप समझ लो। सबसे पहले यहां पे जो तीन इक्वेशंस दिए हैं, तीनों इक्वेशंस को हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते समय हमें तीन मैट्रिक्स मिलेंगी। एक मिलेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा मिलेगा अननोन मैट्रिक्स और तीसरा मिलेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। उसका फॉर्म कुछ ऐसा रहेगा, दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये फॉर्म में हमें मिलेगा। तो ए मैट्रिक्स मिलेगा, एक्स मैट्रिक्स मिलेगा, बी मैट्रिक्स मिलेगा। ए मैट्रिक्स जो है वो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स माने अननोन मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स माने कांस्टेंट मैट्रिक्स। और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करेंगे। ए और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके सी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये ऐसा रहेगा, देखिए ये है सी मैट्रिक्स जो कि ए और बी का कॉम्बिनेशन रहेगा। सी मैट्रिक्स को कहेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो कि ए और बी का कॉम्बिनेशन है। और अब हमें कंसिस्टेंसी अगर चेक करना है तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये सी मैट्रिक्स का रैंक और ए मैट्रिक्स का रैंक चेक करेंगे। अगर ए और सी दोनों मैट्रिक्स का रैंक अगर सेम है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें एंड सॉल्व ऐसा लिखा है। सबसे पहले हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो फिर हमें उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय हमें एक्स वाई जेड यहां पे जो भी अननोन है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स ए का रैंक अगर सेम है तो ही सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और फिर वहां पर सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय भी कंडीशन है, कंडीशन ऐसी है कि सी और ए का जो रैंक है वो अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर मान लो रैंक ऑफ सी अगर 3 है और रैंक ऑफ ए अगर 3 है, इसका मतलब दोनों का रैंक सेम है। और यहां पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, देखिए यहां पे नंबर ऑफ अननोन्स 3 है क्योंकि यहां पे एक्स वाई जेड तीन अननोन है, इट मींस यहां पे नंबर ऑफ अननोन 3 है। तो ये दोनों का रैंक सेम है और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। इसका मतलब ये है कि यहां पे ये सिस्टम को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर इन दोनों का रैंक सेम है और अगर वो नंबर ऑफ अननोन से अगर कम है तो फिर वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे। जैसे देखिए यहां पे नंबर ऑफ अननोन 3 है, ठीक है, इट मींस n का वैल्यू 3 है। लेकिन अगर इन दोनों का रैंक अगर 2 आता है, देखिए रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए दोनों का रैंक अगर 2 है, इसका मतलब यह है कि दोनों का रैंक तो सेम है लेकिन वो नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो ऐसे में यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे। तो ये पूरी बात हो गई, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स ए का रैंक अगर सेम है तो। लेकिन अगर इन दोनों का रैंक सेम नहीं है तो क्या, तो अगर इन दोनों का रैंक सेम नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा और वहां कोई भी टाइप का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो फाइनली अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे ये सब चेक करते हैं, चलो हम यहां पे देखते हैं। यहां पे आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया होगा लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। तो चलो हम यहां पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसा हमने कहा था कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहां पर जो तीन इक्वेशन है तीनों इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। तो चलो तीनों को हम मैट्रिक्स फॉर्म में पहले पुट कर लेंगे। अब यहां पे हम एक काम करेंगे, तीनों इक्वेशंस को हम यहां पे लिख लेंगे। गिवन इक्वेशंस आर, तो ये तीनों इक्वेशंस हमने लिखे हैं और ये तीनों इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये यहां पे हमें तीन मैट्रिक्स तैयार करना है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स रहेगा जो कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगा, दूसरा रहेगा अननोन मैट्रिक्स जिसमें सभी अननोन्स रहेंगे, दैट इज एक्स वाई जेड, और तीसरा रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसमें राइट साइड में जो भी कांस्टेंट है
वो यहां पे रहेंगे। तो ये देखिए इस टाइप के यहां पे तीन मैट्रिक्स यहां पे बन जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख रहे हैं। अब ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखना है, तो एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है वो हमें यहां पे लिखना है। यहां पे 2-3 7 तो हम लिखेंगे 2-3 7, 3-1-3 तो हम लिखेंगे 3-1-3, और यहां पे 2-19 तो लिखेंगे 2-19-47। तो फाइनली इस तरह से हमने यहां पे तीनों गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है ये है ए मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स है एक्स मैट्रिक्स, और तीसरा मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स। ये देखिए ये पहला है, ये है पहला ए मैट्रिक्स, ये है एक्स मैट्रिक्स, और ये है बी मैट्रिक्स। तो यहां पे हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, जैसा हमने यहां पे इक्वेशन बताए थे ए एक्स इक्वल्स टू बी, बिल्कुल यही इक्वेशन हमें यहां पे मिल रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हम यहां पे लिखेंगे देयर फोर दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो ये हमने गिवन इक्वेशन यहां पे लिख दिए जो हमें मिला है, और यहां पे हमें वेयर करके यहां मेंशन करना पड़ेगा कि ए मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है, और एक्स मैट्रिक्स क्या है, ये हमें यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे वेयर ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स माने ये है, तो ये हम पूरा लिख देंगे। तो ये हमने तीनों मैट्रिक्स को यहां पे मेंशन कर लिया है, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स हमने यहां पे वेयर में लिख दिया है। तो फाइनली हमने जैसा कहा था कि तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके हमने ये ऐसा इक्वेशन बना लिए, और अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है। अब ये कैसे चेक करना, तो जैसा हमने कहा था कि अब हमें ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करना है, इट मीन सी मैट्रिक्स तैयार करना है। तो चलो अब हम यहां पर सी मैट्रिक्स बनाएंगे। सी मैट्रिक्स जो है वो ए और बी मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ए यू जी यू एम ई एन टी ई डी, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स कहेंगे। तो सी इक्वल्स टू दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ये देखिए ए और बी का कॉम्बिनेशन है। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू दैट इज ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन। तो अब हम इसको कंबाइन करेंगे, ए मैट्रिक्स है हमारे पास दैट इज 2-3 7 3-1-3 2-19-47, ये हमने ए मैट्रिक्स लिख दिए, और अब हमें इसी के साइड में बी मैट्रिक्स लिखना है। ये देखिए बी मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये हम लिखेंगे 5-13 और 22। तो ये हमने यहां पे बी मैट्रिक्स भी लिख दिए, और यहां पे ये ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। हम यहां पे पार्टीशन कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ए मैट्रिक्स कौन सा है और बी मैट्रिक्स कौन सा है। देखिए ये जो है ये ए मैट्रिक्स है, ये देखिए ये जो 3x3 का ए मैट्रिक्स है वो हमने यहां पे लिख दिया है, सभी एलिमेंट्स आ गए। और ये जो बी मैट्रिक्स है जो कि कॉलम मैट्रिक्स है वो हमने यहां लिख दिए, और ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके ये हमने सी मैट्रिक्स बना दिए। ये सी मैट्रिक्स एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है, और अब हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे और कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए जैसा हमने कहा था कि सी मैट्रिक्स पहले बनाना है, तो ये देखिए हमने सी मैट्रिक्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करेंगे। अब इसका रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ही इसका रैंक आसानी से मिल सकता है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रैंक क्या होता है, रैंक कैसे फाइंड आउट करना, कौन से मेथड का यूज करना, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने नंबर ऑफ वीडियोस इसके पहले अपलोड किए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, रैंक का जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वही मेथड का यूज करके हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं और यहां पर रैंक फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलो हम यहां पे रैंक फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। उसके लिए जैसा हमने कहा था कि इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जीरो हो, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए तो ही वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहां पे ये मैट्रिक्स चेक करो, क्या इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है, इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जीरो नहीं है। अब ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स मतलब क्या, तो देखो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x4। हम यहां पे इसका ऑर्डर लिख लेंगे 3x4, वो इसीलिए क्योंकि इसमें 3 रोज है और इसमें 4 कॉलम्स है। ठीक है, ये सी मैट्रिक्स की बात कर रही है, ये पूरा का पूरा सी मैट्रिक्स है और इसमें 3 रोज है और इसमें 4 कॉलम्स है, मतलब इसका ऑर्डर 3x4 हो गया। और ये 3x4 मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कौन से हैं, तो देखो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स ये है, ये देखिए ये 3 जो है, ये 2 है, ये 19 है और ये -47 है। तो ये 4 एलिमेंट्स लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं। और जैसा हमने कहा था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो क्या ये मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है, इट मींस क्या ये 4 प्लेस पे जीरो है, नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है।
अब हमें इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके ये चार प्लेस पे जीरो लेके आना पड़ेगा। अगर ये चार प्लेस पे जीरो आ गया तो फिर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, और एक बार ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया तो फिर हम यहां पे इसका रैंक निकाल सकते हैं, और एक बार रैंक मिल गया तो फिर हम इसका कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। तो फाइनली ये तो कंफर्म है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, तो अब हमें इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड का यूज करते हैं वो मेथड को कहते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करेंगे और इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इट मींस ये चार प्लेस पे जीरो लेके आएंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, रो का कैलकुलेशन रो के साथ करेंगे। यहां पे थ्री रोज है और फोर कॉलम्स है, यहां पे थ्री रोज है तो रो का कैलकुलेशन रो के साथ करना है। तो सबसे पहले हम ये दो प्लेस पे जीरो लेके आएंगे, देखो यहां पे और यहां पे पहले जीरो लेके आएंगे, फिर हम ये दोनों के लिए अलग से इक्वेशंस लिखेंगे। तो हम यहां पे रो टू और रो थ्री के लिए इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि ये रो टू है हमें यहां पे जीरो होना, ये रो थ्री है हमें यहां पे जीरो होना। अब ये जीरो कैसे लेके आएंगे, देखिए सबसे पहले रो थ्री की तरफ ध्यान दो। रो थ्री में अगर हमें यहां जीरो लेके आना है तो यहां पे क्या है, टू है, अगर हम टू माइनस टू करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन रो वन के साथ करो, देखो यहां पे रो वन में टू है तो टू माइनस टू करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इट मींस रो थ्री माइनस रो वन करना है, तो इसके लिए इक्वेशन यहां पे हम लिखेंगे रो थ्री माइनस रो वन, ठीक है। रो थ्री के एलिमेंट्स माइनस रो वन के एलिमेंट्स कर लो तो यहां पे हमें जीरो मिल जाएगा। इधर क्या आएगा वो बात की बात है, यहां पे जीरो आना चाहिए पहले, तो ये हमने यहां जीरो लाने के लिए ये हमने इक्वेशन लिख दिए। और अब हम रो टू का इक्वेशन बनाएंगे, तो यहां पे जीरो लेके आना है, तो यहां पे जीरो लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पे क्या लिखा है, यहां पे थ्री लिखा है, अगर थ्री माइनस थ्री करेंगे तो जीरो आएगा। तो यहां पे थ्री है, इसका कैलकुलेशन रो वन के साथ करना है। क्या यहां पे थ्री है, यहां पे थ्री है क्या, नहीं यहां पे थ्री नहीं है। तो यहां पे हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखिए यहां पे थ्री है इसको टू से मल्टीप्लाई करो तो ये सिक्स हो जाएगा, यहां पे टू है इसको थ्री से मल्टीप्लाई करो ये भी सिक्स हो जाएगा, फिर ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करो तो सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा। क्या कहा हमने, देखो हमें इसको टू से मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे टू इंटू रो टू माइनस थ्री इंटू रो वन। देखिए टू इंटू रो टू मतलब ये सेकंड रो को इसको टू से मल्टीप्लाई करना है तो ये सिक्स हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू रो वन मतलब ये फर्स्ट रो को थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे सिक्स हो जाएगा, फिर ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है तो फिर यहां पे जीरो आ जाएगा। इधर के एलिमेंट्स क्या आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये प्लेस पे और ये प्लेस पे जीरो लेके आना है। ये दो इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये दो प्लेस पे जीरो आना कंफर्म है। तो चलो अब हम यहां पे न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहां पे न्यू मैट्रिक्स दैट इज सी मैट्रिक्स यहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज रखो, टू माइनस थ्री सेवन फाइव, टू माइनस थ्री सेवन और फाइव। देखो फर्स्ट जो रो है वो एज इट इज है, क्योंकि हमें फर्स्ट रो के साथ कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ सेकंड और थर्ड रो के साथ करना है। तो सेकंड रो के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, इक्वेशन आपके सामने है, हम यहां पे आपको रफ में बता देते हैं। सेकंड रो का हम आपको रफ में बताएंगे, थर्ड रो का हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहां पे ये देखिए ये जो थ्री है इट मींस रो टू का ये एलिमेंट यहां रखो, और ये जो टू है इट मींस रो वन का एलिमेंट यहां रखो, ठीक है। रो टू के सभी एलिमेंट्स आपको यहां रखना है और रो वन के उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आपको यहां रखना है, और इक्वेशन का रिजल्ट क्या आता है वो देखना है। तो टू इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू टू ऐसा हो जाएगा, देखो क्या लिखना है, टू इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू टू, ठीक है। ये देखिए ये रो टू का एलिमेंट, ये रो वन का एलिमेंट, और ये सिक्स माइनस सिक्स तो ये कितना, तो ये हो गया जीरो, तो हम यहां पर लिखेंगे जीरो। उसी तरह से अब देखिए ये रो टू का एलिमेंट वन यहां रखो और ये रो वन का एलिमेंट माइनस थ्री यहां रखो, तो इक्वेशन क्या बनेगा, ये होगा टू इंटू वन और माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये टू प्लस ऑफ नाइन, टू प्लस ऑफ नाइन कितना, ये हो गया इलेवन, तो हम यहां रखेंगे इलेवन। और अब नेक्स्ट ये देखिए माइनस थ्री रो टू का एलिमेंट यहां रखो और ये सेवन रो वन का एलिमेंट यहां रखो, तो ये इक्वेशन क्या होगा, टू इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू सेवन ऐसा, तो ये कितना, ये होगा टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स और ये माइनस ट्वेंटी वन, तो ये कितना माइनस ट्वेंटी सेवन, तो ये हम लिखेंगे माइनस ट्वेंटी सेवन। और अब ये रो थ्री का एलिमेंट सॉरी ये रो टू का एलिमेंट यहां रखो, ये रो वन का एलिमेंट यहां रखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज टू इंटू थर्टीन, टू इंटू थर्टीन माइनस थ्री इंटू फाइव ऐसा, तो 2 इंटू थर्टीन कितना, ये 26 माइनस ये होगा दैट इज 15, तो 26 माइनस 15 कितना 11, तो ये हम यहां पे लिखेंगे यहां पे 11 इस तरह से। और अब फाइनली हमने रो 2 के सभी एलिमेंट्स यहां फाइंड आउट कर लिया है, और यहां पे जीरो चाहिए था, देखो जीरो मिल गया। और अब रो 3 की बारी, देखो रो 3 में हमें ज्यादा यहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा रो 3 के एलिमेंट्स रो 1 के साथ सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमने यहां लिखा है रो 3 माइनस रो 1।
तो यहां 2-2 कर लो तो ये कितना 0, तो हम यहां पे डायरेक्टली कैलकुलेशन यहां पे सीधा आंसर लिख रहे हैं। और अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, देखो 19-3 तो ये हो जाएगा 22, ये हमने लिख दिया 22, वो इसलिए क्योंकि हमने आपको कहा था कि रो 3-1 करना है, 2-2 करें तो 0 आ गया, 19-3 देखो -3 + 3 हो जाएगा, तो यहां पे 19 + 3 तो ये इनडायरेक्टली कितना हो गया 22, तो इस तरह से। और अब नेक्स्ट -47 - 7 तो ये कितना हो जाएगा -54, आप यहां पे कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। नेक्स्ट ये 22 - 5 तो ये हो गया कितना 17, तो फाइनली ये हमने सभी एलिमेंट्स यहां पे फाइंड आउट कर लिया है। और जैसा हमने कहा था कि हमें टोटल 4 प्लेस पे 0 लेके आना है, ये 4 प्लेस पे 0 लेके आना है, उसमें से 2 प्लेस पे 0 आ गया, देखो ये 2 प्लेस पे 0 आ गया, लेकिन क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, ये अभी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स पूरे 0 नहीं है, ये 4 प्लेस पे 0 लेके आना था। अब देखिए, अब ये हमें 2 प्लेस पे और 0 लेके आना है, यहां पे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आप क्लियर कट देख सकते हैं, देखो यहां से हम पार्टीशन कर लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो अब हमें यहां पे 0 लेके आना है और यहां पे 0 लेके आना है, अगर ये 2 प्लेस पे और 0 आ गया तो फिर फाइनली ये चारों एलिमेंट 0 हो गए, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर हम इसका रैंक चेक करेंगे। अब यहां पे 0 कैसे आएगा, तो 0 लाने के लिए हम एक काम करेंगे, रो 3 का कैलकुलेशन, रो 3 का हम यहां पे इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि हमें रो 3 में 0 चाहिए, तो हम रो 3 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। अब यहां पे 0 कैसे आएगा, देखो ये 22 है, यहां पे 0 लाने के लिए हमें 22 - 22 करना पड़ेगा तो ही 0 होगा, तो ये 22 है, तो हम एक काम करेंगे इसका कैलकुलेशन रो 2 के साथ करेंगे, यहां पे 11 है, ये 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 22 हो जाएगा, और फिर ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, तो हम यहां पे लिखेंगे रो 3 - 2 ऑफ रो 2, देखो ये जो इक्वेशन लिखा है इसके तरफ ध्यान दो, रो 3 का 22 जो है वो यहां आएगा, -2 * ये जो 11 है वो यहां आएगा, तो 22 - 22 हो जाएगा तो 0, तो यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे भी उसी टाइप का हो सकता है। चलो यहां पे हम बनाते हैं, तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स सी, जो ये नया मैट्रिक्स बन रहा है वो हम यहां लिखेंगे, सबसे पहले तो रो 1 और रो 2 उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो रो 1 और रो 2 जो है वो एज इट इज रखो, इसके एलिमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, ये देखिए रो 1 और रो 2 ये हम बिल्कुल एज इट इज रख रहे हैं, और बस आपको रो 3 में चेंजेस करना है, देखो ये हमने रो 1 रो 2 एज इट इज लिख दिए, क्योंकि रो 1 के साथ आपको कैलकुलेशन, रो 1 में हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ रो 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो रो 3 में यहां पे अब देखिए इक्वेशन आपके सामने है, रो 3 के एलिमेंट्स आपको यहां रखना है और उसके रिस्पेक्टिव रो 2 के एलिमेंट्स आपको यहां रखना है, तो चलो हम यहां पे आपको कैलकुलेशन बता देते हैं, तो ये क्या होगा देखते हैं, तो सबसे पहले ये 0 जो है वो यहां रखो, माइनस ये 0 जो है वो यहां रखो, तो 0 - 0 तो ये तो 0 आ जाएगा, तो फाइनली ये तो हो गया 0, ये कंफर्म है। चलो सेकंड एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेशन हम आपको लिख के बताएंगे, तो ये 22 यहां रखो, -2 * उसका रिस्पेक्ट टू रो 2 का एलिमेंट 11 यहां रखो, तो 22 - 22 तो ये 0, तो फाइनली यहां पे आ गया 0, ओके। और अब यहां पे देखते हैं क्या आएगा, तो रो 3 का ये जो एलिमेंट है वो यहां रखो, रो 3 का एलिमेंट यहां रखो और रो 2 का रिस्पेक्टिव एलिमेंट यहां रखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा -54 - 2 - -27 ऐसा हुआ, तो ये हो गया -54 + 54 क्योंकि -, -, हो गया 27 * 2 = 54, तो फाइनली -54 + 54 कितना 0, तो यहां पे आ गया 0, ठीक है। और अब नेक्स्ट ये 17 जो है वो यहां रखो और इसका रिस्पेक्टिव जो 11 है वो यहां रखो, तो ये हो जाएगा दैट इज 17 - 2 * 11, ठीक है 2 * 11, ये देखिए 17 यहां रखे और ये 11 जो है वो हमने यहां रखे, अब ये 17 - 22 तो 17 - 22 कितना -5, तो ये हो जाएगा यहां पे -5, तो ये देखिए एक न्यू मैट्रिक्स यहां पे बन चुका है। और जैसा हमने कहा था कि लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स 0 करना है, तो हमें ये 4 प्लेस पे 0 लेके आना है, तो देखो ये चारों प्लेस पे 0 आ चुका है, देखो ये देखिए ये चारों प्लेस पे यहां पे 0 आ चुका है, और अब क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यस ये बिल्कुल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 है। और यहां पे ए और बी मैट्रिक्स को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये देखिए ए और बी मैट्रिक्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये जो इधर का मैट्रिक्स है ये है ए मैट्रिक्स और इधर का जो मैट्रिक्स है वो है बी मैट्रिक्स, और अब हमने यहां पे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है, और अब हम इसका रैंक चेक करेंगे। ये पूरा का पूरा सी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स का रैंक चेक करना है, और रैंक चेक करते समय रैंक मतलब क्या होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका मतलब यहां पे ये जो सी मैट्रिक्स है इसमें कितने नॉन जीरो रो है वो आपको चेक करना है। तो चलो यहां पे सबसे पहले देखेंगे कितने रो है, तो यहां पे 3 रोज है, देखिए ये रो 1 ये रो 2 ये रो 3, और यहां पे कितने नॉन जीरो रो है,
वो चेक करेंगे। तो नॉन जीरो रो मतलब क्या, सभी एलिमेंट्स जीरो अगर है तो वो है जीरो रो, और सभी एलिमेंट्स अगर जीरो नहीं है तो वो है नॉन जीरो रो। तो ये देखिए क्या ये देखिए ये जो फर्स्ट रो है क्या इसमें सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं, इसका मतलब ये एक नॉन जीरो रो है। ये देखिए ये सेकंड रो क्या इसमें सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं, ये भी एक नॉन जीरो रो है। ये देखिए ये थर्ड रो क्या इसमें सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं, ये भी एक नॉन जीरो रो है। इसका मतलब यहां पे कितने नॉन जीरो रो है, तो यहां पे थ्री नॉन जीरो रो है ना, ये वन टू थ्री, थ्री नॉन जीरो रो है। इसका मतलब ये है इसका रैंक हो गया थ्री, ये सी मैट्रिक्स का रैंक थ्री है, ये कंफर्म है। तो हम यहां पे लिखेंगे रैंक रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि इसमें थ्री नॉन जीरो रो है इसलिए इसका रैंक थ्री है। और अब हमें मैट्रिक्स ए का रैंक चेक करना है। अब ये जैसा हमने कहा था कि ये सी मैट्रिक्स ए और बी का कॉम्बिनेशन है, तो ये देखिए ये है ए मैट्रिक्स, ये देखिए ये है ए मैट्रिक्स और ये है बी मैट्रिक्स। तो इसमें से ए मैट्रिक्स को बाहर निकालो, ठीक है, ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो थ्री बाय थ्री के जो एलिमेंट्स है, ये मैट्रिक्स को हम बाहर निकालेंगे। तो ये मैट्रिक्स हम यहां पे बाहर निकालते हैं, तो देखिए ये मैट्रिक्स क्या है, टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री सेवन, जीरो इलेवन माइनस ट्वेंटी सेवन और जीरो जीरो जीरो। देखिए ये हमने ए मैट्रिक्स को यहां से बाहर निकाले। और अब ये ए मैट्रिक्स का रैंक चेक करो, अगर इसका रैंक सी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा तो ही सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन निकलेगा, और अगर इसका रैंक सी मैट्रिक्स के रैंक के साथ मैच नहीं करेगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चलो हम ए का रैंक चेक करेंगे। ये जो ए मैट्रिक्स है वो तो हमने यहां बाहर निकाली है, अब इसका रैंक क्या है। रैंक चेक करते समय सबसे पहले चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि रैंक चेक करते समय ये रूल है कि इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है। ये देखिए यहां पे ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है, तीन प्लेस पे जीरो चाहिए क्योंकि इसका ऑर्डर थ्री बाय थ्री है। देखिए इसका जो ऑर्डर है क्या है, इसका ऑर्डर थ्री बाय थ्री है, तो थ्री बाय थ्री ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में यहां पे जीरो होना, यहां पे जीरो होना, यहां पे जीरो होना, ये तीन प्लेस पे जीरो होना, और ये तीनों प्लेस पे जीरो है, इट मीन ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अब हम इसका रैंक पता कर सकते हैं, तो इसका रैंक क्या है, तो इसका रैंक हमें यहां क्लियर कट दिख रहा है, इसका रैंक टू है। कैसे, क्योंकि इसमें टू नॉन जीरो रो है। चलो चेक करते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट रो क्या इसमें सभी एलिमेंट्स जीरो है, नहीं, इट मींस यहां पे ये नॉन जीरो रो है। ये सेकंड रो देखो क्या इसमें सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं, इट मींस ये भी एक नॉन जीरो रो है। अब थर्ड देखो क्या इसमें सभी एलिमेंट जीरो है, यस, इसमें सभी एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब ये जीरो रो है। और यहां पे नॉन जीरो रो कितने, तो नॉन जीरो रो टू है, ये वन और ये टू, यहां पे टू नॉन जीरो रो है, इसका मतलब इसका रैंक हो गया टू। तो हम यहां पे लिखेंगे रैंक रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू टू, और जैसा हमें यहां पे दिख रहा है कि मैट्रिक्स सी का रैंक और मैट्रिक्स ए का रैंक सेम नहीं है, ऐसे में ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट नहीं है और अब इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो फाइनली अब हमें यहां पे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू, रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, therefore the given system is not consistent, the given system is not consistent and there exist no solution, and there exist no solution। इसका मतलब वहां पे कोई भी solution नहीं रहेंगे। तो हमने यहां clear कर लिख दिया है कि द रैंक ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट, मतलब वो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, एंड देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, इसका मतलब यहां पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी सॉल्व करने के लिए कहा था वो हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन में कहा था कि कंसिस्टेंसी चेक करो और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन यहां पे फाइंड आउट करो। तो हमने चेक कर लिया है सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, ये कंसिस्टेंसी का फर्स्ट प्रॉब्लम था। इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें सिस्टम कंसिस्टेंट निकलेगा और वहां पर सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था आज का कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर।
इसके पहले के सभी लेक्चर स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।